get inside. OnePlus जैसे ब्रांड्स जो कि Snapdragon को छोड़ के किसी और ब्रांड की तरफ देखते तक नहीं थे, आज वो भी MediaTek के साथ काम करके लाने जा रहे हैं कुछ इस तरह के स्मार्टफोन्स जो कि होंगे Snapdragon 865 Plus से भी ज्यादा पावरफुल और कैमरा सेटअप ऐसा जो कि सेम हमें OnePlus 9 और 9 Pro में देखने को मिला था, और ये सारी चीजें एक बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में। और हाँ, ये सच है, मैं कोई मजाक वजाक नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो फोन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है OnePlus का अपकमिंग Nord 2 स्मार्टफोन। और अभी कुछ दिन पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह लीक हुई हैं और जो कि देख के काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रही हैं। तो जानना नहीं चाहोगे इनके बारे में? स्टार्ट करें अगर इसके डिस्प्ले से, तो यहाँ पर हमें देखने मिल जाएगा एक 6.5 इंचेस का फुल एचडी प्लस वाला सुपर एमोलेड पैनल 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। हाँ, ये करीब करीब सेम जो कि हमें नॉर्ड में भी देखने को मिला था। आगे बढ़े इसकी परफॉर्मेंस में। हाँ, तो यहाँ पर पहली बार हो रहा है कि OnePlus Snapdragon को छोड़ के MediaTek के साथ लाएगा MediaTek Dimensity 1200 वाला प्रोसेसर जो कि एक 5G प्रोसेसर है और 6nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। और आपको बताऊं यार, ये पिछले साल के 865 प्लस से भी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। इससे ही तुम अंदाजा लगा सकते हो Android 11 Oxygen OS 11 के साथ तो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन कैमरास की अगर बात करें, यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 वाला सेंसर। सेम यार वही सेंसर है जो कि इसी साल के OnePlus के फ्लैगशिप OnePlus 9 और 9 Pro में देखने को मिल गए थे। सो या और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और शायद से 5 मेगापिक्सल का थर्ड वाला मैक्रो होगा। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो तो बता दूं, यहाँ पर भी तुम्हें हैसलब्लैड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ये देखो इधर पे। सो फ्रंट की अगर बात करें, यहाँ पर एक 16 मेगापिक्सल का पंच होल कटआउट में लगा हुआ कैमरा देखने को मिल जाएगा, और इसकी भी क्वालिटी तुम्हें मजेदार मिलने वाली है। और स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट, 5G के साथ सभी कनेक्टिविटी फीचर्स, डुअल वैन वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1 और बस। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि हमेशा से OnePlus लाता आया है, और ऑब्वियसली काफी ज्यादा फास्ट ये होने वाला। और स्मार्टफोन चाहे कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, उसको असली में पावर देने के लिए चाहिए होती अच्छी खासी बैटरी और चार्जिंग। तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी एक 4500mAh की बैटरी 65W के फ्लैश चार्ज के साथ जो कि चार्ज कर देगी 12-13 मिनट में 50% और 30 मिनट के आसपास में 100% हो जाएगा। लॉन्च की अगर बात करें तो यार यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीक्स आई हैं अभी जो हमें बताती हैं कि ये फोन हमें जुलाई में ही देखने को मिल सकता है, जुलाई के मिड में एंड में ऐसे ही कुछ तुम लोग मान के चल सकते हो कि ये फोन आ जाएगा। और अभी तो OnePlus Nord CE भी लॉन्च हो चुका है जिसकी स्पेसिफिकेशंस जानने के लिए ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर जो प्राइस निकल के आई है लीक समय बताती है 2000 yuan। आई नो तुम्हें कुछ समझ आया नहीं होगा, इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करके अगर मैं बताऊँ तो ये होता है 22,900 रुपए। लेकिन ये फोन 25,000 के ऊपर ही जाने वाला है। और साथ ही इसका कॉम्पिटिटर की बात करें, अभी लॉन्च हुआ था रियलमी X7 Max, तो हाँ प्रोसेसर दोनों में सेम होगा और बाकी सारी चीजें आएगा तो देखा जाएगा। थोड़ा बहुत लिख के तुम बताओ कैसा लगा फोन, क्या तुम्हें इसमें अच्छा लगा, क्या खराब, प्राइस, जो भी चीजें हैं बस लिख डालो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूल, और सबसे पहले ऐसी वीडियोस इंटरेस्टिंग मैनर में देखने के लिए चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना। और बस वीडियो खत्म, भागो यहाँ से। बट जाने से पहले कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, एंड अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारी मर्जी। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।